हो रही है तो उधर मेरी बहन सोई हुई, आप देख सकते हैं। आरती उठ जा, हाय। सो के उठ के भी से आई की लग रही। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सो मैं उठी हूँ अभी, तो टाइम देखो अभी बजे हुए हैं 8:09। बाहर बहुत ठंड हो रही है तो उधर मेरी बहन सोई हुई, आप देख सकते हैं। आरती उठ जा, हाय। सो के उठ के भी से आई की लग रही। सो के उठी अब भी ये बोल रही है आई, और हमें तो यू भी पता नहीं रहता हम कहाँ पड़े। तो देखते हैं बाहर का क्या मौसम चल रहा है, ठंड होगी तो मैं दोबारा फिर बिस्तर में लेट जाऊंगी। तो जैसे सर्दी हो रही है, मैंने देखो एक सॉक्स ये पहनी हुई और एक सॉक्स ये ऊन से निकली हुई है। मुझे सर्दी कुछ ज़्यादा लगता है, तो बाहर का मौसम देखते हैं। हाय, बाहर तो कुछ बादल सा हो रखा है गाइस, धूप भी नहीं निकली हुई है, काफ़ी ठंड हो रखी है बाहर। तो हम मौसम मैंने दिखाई दिया, शायद बारिश का मौसम बन रहा हो, तो वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे एक शादी है, वहाँ पे ठंड में क्या बुरा हाल हो रहा होगा, कैसे अटेंड कर रहे हैं शादी। हाय, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। मैंने आपको बताया बाहर बहुत ठंड हो रही है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाने की। मैं थोड़ी देर में पेस्ट करूँगी, 9 बजे उठूँगी, अब मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, तो अब मैं फिर से दोबारा बिस्तर में लेट जाऊँगी। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है आरती, हमारी हिम्मत नहीं है भाई उठने की। तो जैसा मैंने बताया था मैं 9 बजे उठूँगी, तो 9 बज चुके हैं और मैंने पेस्ट भी कर लिया। मैं बिना पेस्ट करे कभी कोई चीज़ नहीं खाती और ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए। पेस्ट करके कुछ भी, चाहे कुछ भी खाओ तो पेस्ट करके खाना चाहिए। पर सर्दी तो फिर भी लग रही है, हल्की हल्की धूप हुई है, देखो इधर देख सकते हो, दिखेगा भी नहीं शायद, छुपा हुआ है बादल के अंदर सूरज। तो जैसे देख सकते हो ना ये वाले घर, इनके यहाँ पे ना शादी है, तो ये जो ये अंकल है ना, ये गाड़ी की जॉब करते हैं और ये ना पार्ट टाइम जॉब करके अपने इस पे ना प्लास्टर करते हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं ना वो, कि पैसा यहाँ से भी बच जाए वहाँ से भी बच जाए। अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, जिससे जो काम आता है ना करना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब अपने घर पे ही कर लो, भले ही बाहर ना करो, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है अपने घर पे, सही है, बचत करो। खाना कितनी लापरवाही चल रही है हमारे घर में, ये दूध भी रखा हुआ है यहाँ पे उबला हुआ, और वो भी मेरे पापा देख लेते ना, बढ़िया करके सुनाते ने और लड़ाई बच जाती फिर। तो अब मैं पीती हूँ चाय, भूख भी बहुत तेज लग रही है, पता नहीं नाश्ते में क्या होगा, लाइट्स ऑन कर लेती हूँ मैं। तो देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। हीटर भी खोल दूँ क्या? तो देख सकते हो ये हीटर है। चलो पीऊंगी चाय इसके सामने। तो ये ले लिया मैंने अपना मग, जैसे याद देख सकते सब कुछ काम हो रखा है और मैं सोई रही थी, चूल्हा भी साफ हो गया, तो चाय रखी हुई है, इसको गर्म करेंगे हम। बस ये नहीं उठा के रखा, ये रख दिया अपने यहाँ। तो देखते हैं क्या है खाने में, ये तो सब्जी है, ये मूली की सब्जी है, अच्छा ये है परांठे, यानी आप देख सकते हो 1 2 3, यानी मैं ही रह रही हूँ, सबने नाश्ता कर लिया। तो अब हम लगाते हैं अपनी स्टेज यहाँ।
चाय कर ली है गरम, तो अब हम पीते हैं चाय, करते हैं एंजॉय। तो आप देख सकते हैं मेरा मग भी टूट चुका है, और ये इसलिए टूटा है क्योंकि ये मेरे से गिर चुका था। अच्छी लग रही है चाय, तो मैं अब खाऊंगी पराठा। तो मैं हीटर के सामने बैठी हूँ, तो ये है साग के पराठे। मम्मी ने साग को आटे में मिक्स करके तो उसको बना दिया। काफी अच्छे हैं। लेकिन जो दूध रखा हुआ था वो बाहर, लेकिन वो मेरे भाई ने ही रखा हुआ था, और मैं सोच रही पता नहीं कोई रख के भूल गया। वो ना वो पीते हैं जो जिम में पाउडर पीते हैं ना, वो नाम तो मुझे भी नहीं पता। कल उसको लेके आया वो, पापा ने दिलाया उसको, वो आया 3,000 का डब्बा। अब वो 3,000 कुछ का था शायद, तो मेरे मामा जी ने डिस्काउंट करके उसको दिला दिया। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। घरों का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी, फिलहाल तो मेरे गमले देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं इधर। वाह, सो ये सामने जो देख सकते हो ना, ये सब पहाड़ है, अभी धुंध में ना ढके हुए हैं, और ये यहाँ से लेके इधर से उधर तक वो पहाड़ है। और जो उधर देख सकते हो, जो उधर पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पे चंडी देवी मंदिर है और एक है मनसा देवी, तो दो मंदिर है वहाँ पे। हम तो घूमते रहते हैं क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, बोर भी हो गए घूम घूम। अभी इतने सुनसान ये किस लिए पड़ा है, सारी गली सुनसान पड़ी सर्दियों में, क्योंकि कुछ लोग तो जॉब भी करते हैं ना। ये क्या रखो हुआ भाई, ओ कितनी लापरवाही। तो देख सकते हो आप मेरे घर वाले कितनी लापरवाह कर रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं ना। पता नहीं किसने रखा, मम्मी ने रखा है, मेरी बहन ने रखा, दूध यहाँ पे रखा हुआ। अब देख सकते हो यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी, सिर्फ ये बाउल रखा हुआ दूध का। अब देखियो मैं मम्मी को बताऊंगी। पता नहीं मेरे भाई ने रखा शायद। अब हो गया मेरा झाड़ू का काम शुरू, क्योंकि घर रह के और कुछ काम नहीं है, बस यही है। और उसके बाद जो ये कपड़े देख रहे हो ना, ये प्रेस होंगे, उसके बाद तो बहुत काम है, मैं तो थक जाती हूँ। ये देखो सफाई अभियान शुरू। मैं आपको दिखाऊंगी, ओ माय गॉड, ये पता है ये मेरी ड्राइंग थी, पर इसको मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। ये देख सकते हो, ये मैंने रक्षाबंधन भी बनाया था, और एक दिन दिखाऊंगी मैं व्लॉग में, इसके लिए अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। मैं करती हूँ झाड़ू। मेरे दोनों भाइयों ने इतना गंदा करके रखा ना रूम कि क्या बताऊं। तो ऐसे मेरी झाड़ू चलती रहेगी, सो मैं ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी ऐसे बहुत लंबी, जो कि ज्यादा लंबी नहीं बना सकती ना मैं, थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब कुछ दिखा, और मैं बहुत थकी भी हुई हूँ। सो उसके बाद मैं दिखाऊंगी प्रेस के।
देख सकते हो आप, रूम कर दिया मैंने बिल्कुल साफ, सफाई देख सकते हो आप। यहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी सब इकट्ठा एक जगह कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा भाई पता क्या करते हैं, इसको भी लगाएंगे, हर चीज़ चेक करते रहते हैं वो। तो उनको बोलूँगी कि रख दो, लेकिन रखेंगे नहीं, करेंगे अपने मन की। तो मैंने कर दिया अपना कमरा साफ, ये रखा हुआ है इसको मैं ऊपर रख दूँगी, इसे देख सकते हैं। वो प्रेस के कपड़े इतने गंदे लगे हुए हैं, क्योंकि मैं कभी इकट्ठा नहीं करती, तो सर्दियों में सूखने में प्रॉब्लम हो रही है ना कपड़े, तो इस वजह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कूड़ा देख सकते हो कितना इकट्ठा हो रखा, ऐसा लग रहा कि काफ़ी दिनों के झाड़ू भी नहीं लगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं प्रेस करूँगी, तो मैंने प्रेस कर ली है। ये रखे हुए कपड़े कुछ ये है, और मेरे भाई की दो जैकेट जो कि मैं बर्थडे पार्टी में गए थे तो उन्होंने पहनी थी, तो इस वजह से गंदी हो गई थी। और मेरी मम्मी गुस्सा, खाना खा के अब सो जाऊंगी। तो मेरा व्लॉग यहीं होता है एंड, सो बाय बाय।